मेरे एनालाइजिंग के अकॉर्डिंग इस वीक के टॉप 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। उससे पहले एक मिनट में हम लास्ट वीक की एक्यूरेसी देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से शेयर जो भी हमने उठाए थे कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट हुआ था। तो वीडियो को बड़ा ज़्यादा ना करते हुए सिर्फ 3 से 4 शेयर देखेंगे जिससे आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकें। तो पहला शेयर है हमारा बेल LTD। बेल की बात करें तो हमने 13 से 14 तारीख को डाला था, तो आप देख सकते हैं उस दिन लगभग 176 था, आज 204 रुपये चला गया है। दूसरा शेयर है हमारा हिंदुस्तान कूपर LTD। हिंदुस्तान कूपर LTD की अगर बात करें तो लगभग 15 तारीख को 2300 रुपये था, आज 2405 रुपये है। नेक्स्ट शेयर है NHPC, NTPC, NBCC, कोई सा भी शेयर उठा के देख सकते हैं। NBCC अगर हम बात करें तो 13-14 तारीख को लगभग ये 124 रुपये करीब था, आज 143 रुपये पहुँच गया है। ठीक है, इसके लिए आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब हम बात करते हैं इस वीक के स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक्स हमारा ट्रांसफार्मर इंडिया LTD। ट्रांसफार्मर इंडिया LTD को 232 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, उसके लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर LTD इंडिया की अगर लास्ट 6 मंथ की अगर रिटर्न की बात करें तो लगभग 178% रिटर्न किया हुआ है। अगर टारगेट की बात करें तो लगभग 382 रुपये पर शेयर तक जाएगा, यानी कि लगभग 12% तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा शेयर है हमारे पास ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अगर कोई शेयर इंक्रीज होता है तो उसका इंक्रीज होने की वजह होती है, कोई ना कोई मार्केट में वजह होती है कि वो शेयर 10 दिन में इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो एकदम से इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो सीधा सीधा ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है तो मार्केट पे न्यूज़ का। तो ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी कंपनी है उसको 25 फरवरी को 12 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो लगभग अगर हम टारगेट की बात करें तो लगभग 300 रुपये तक जाएगा, लगभग 12% तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। लास्ट 6 मंथ की आप देख सकते हैं लगभग 313% तक रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा शेयर है शक्ति पंप। शक्ति पंप को हरियाणा गवर्नमेंट ने जो अभी एक न्यू योजना चलाई है कुसुम 3 स्कीम करके, उसमें 2443 पंप्स जो लगानी है वो उसका प्रोजेक्ट शक्ति पंप को मिला हुआ है। तो शक्ति पंप के अगर हम लास्ट 6 मंथ की रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं 100% रिटर्न दिया हुआ है, और टारगेट की अगर बात करें तो इस वीक में लगभग 1600 रुपये तक जाएगा, यानी कि लगभग अगर 1600 रुपये जाता तो लगभग 14% तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने आपसे पहले ही बोला जैसे कि मार्केट अगर कोई शेयर इंक्रीज होता है तो उसका सीधा सीधा इंक्रीज होने की वजह होती है, और उसकी वजह होती है मेन वजह ज़्यादातर होती है न्यूज़। तो आप देख सकते हैं शक्ति पंप की जो भी न्यूज आई है वो भी ठीक ठाक न्यूज है। नेक्स्ट शेयर है हमारा, दो शेयर हमारे जो बचे हुए हैं वो शेयर हैं ब्रेकआउट शेयर। ठीक है, पहला है लेमन ट्री और दूसरा है रेडिंगटन। तो लेमन ट्री की हम बात करते हैं तो लेमन ट्री ने लगभग लास्ट 6 मंथ में 36% रिटर्न दिया हुआ है, और अगर हम सिर्फ इस अगर हमारा जो मैंने बोल जैसे पहले को बोल पहले ही आपको बोला कि ब्रेकआउट शेयर है, तो इस अगर हम 25 फरवरी आज तो 25 फरवरी से अगर हम 15 दिन अगर उठा लें, नेक्स्ट 15 डेज की अगर बात करें तो लगभग ये 40 से 42% हमको रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट शेयर रेडिंगटन है। तो रेडिंगटन की अगर हम बात करें तो इसने भी लगभग 36% रिटर्न दिया हुआ है, और टारगेट की अगर हम बात करें लगभग 270 रुपये तक जाएगा, अगर 270 रुपये तक जाता है तो लगभग 30% तक रिटर्न दिखाई दे सकता है। ठीक है,